विपक्ष यानी मूल रूप से राजद के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, जो भी विपक्षी दल हैं उनके द्वारा शराबबंदी पर लगातार सवाल उठाया जाता रहा है। शराबबंदी को लेकर सरकार पर लगातार हमले किए जाते रहे हैं और उसे असफल बताया जाता रहा है। ये सच है कि शराबबंदी तब लागू हुई थी जब यही लोग सरकार में शामिल थे जेडीयू के साथ, उस समय बीजेपी शामिल नहीं थी। आरजेडी की और जेडीयू की गठबंधन की जो सरकार थी 2016 में, तब जा शराबबंदी सर्वसम्मति से लागू हुई थी और इस बात को कई बार मुख्यमंत्री दोहरा चुके हैं सार्वजनिक रूप से। और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि अगर आपको कहीं शराब बिकता हुआ पाया जाता है तो आप सूचित करें पुलिस को। इस तरह से आलोचना करने से शराबबंदी एक सामाजिक दायित्व है, सफल नहीं हो पाएगा। आज मुख्यमंत्री पर ही राजद की तरफ से गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं और ये आरोप लगाया है बेगूसराय से, चरिया बरियारपुर से आरजेडी विधायक राजवंशी महतो ने। राजवंशी महतो का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो खुद ही गांजा पीते हैं मुख्यमंत्री, गांजा भी तो प्रतिबंधित है, उसे पहले बंद कराएं, गांजा पर भी प्रतिबंध लगा दें। तो अभी तक का जो जितना लग रहा था आरोप विपक्ष के तरफ से कि अधिकारी भी पीते हैं, पुलिस वाले बेचवाते हैं, मिली भगत रहती है, इसलिए ये तमाम बातें सार्थक थी, सही थी, लेकिन अभी जो आरोप आया है इस पर राजनीतिक घमासान काफ़ी तेज होने की संभावना है। राजवंशी महतो ने सीधे मुख्यमंत्री को लपेटे में लिया है। राजवंशी महतो का कहना है कि मुख्यमंत्री तो खुद ही गांजा पीते हैं, तो सबसे पहले उन्हें खुद पर नियंत्रण करना चाहिए, उनका तो खुद पर ही नियंत्रण नहीं है। ऐसी कई बातें उन्होंने दोहराई हैं, उन्होंने कही हैं। राजवंशी महतो एक पुराने राजनेता हैं, काफ़ी लंबे वक्त से भारत की राजनीति में है, बिहार की राजनीति में है, भारत की राजनीति में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो एक बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं 12वीं लोकसभा के। तो राजवंशी महतो कोई अननोन फिगर नहीं है, वो एक बड़ा कद है उनका राजनीति में, बिहार की राजनीति में। तो आप देखिए राजवंशी महतो किस तरह से मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप लगाना कितना सही है आप तय कीजिए। मुख्यमंत्री जी नहीं पीते हैं, खुलेआम है कि गांजा पी कर जाते हैं सब, तो नशा वो नहीं है, उस पर भी प्रतिबंध है, क्यों नहीं उसको रोकते हैं? गांजा पीते हैं कि नहीं, वो नशा का चीज नहीं है। शराबबंदी कहाँ है? आप जहाँ पर हैं वहाँ देखिए ना, हर एक गांव में मिल रहा है अभी भी। कल तो पटना में हम देखे सचिवालय में, तो वहाँ टेंट लगा हुआ है, क्या कुछ क्या बात है आज? तो शराबबंदी पर आज पदाधिकारी लोगों को शपथ कराया जाए, तो कहाँ हो रहा है शपथ? चलिए हमारे साथ देखिए, पदाधिकारी बैठ करके पीते रहते हैं, ये तो अब घोर अपराध। महिला पुलिस को लेकर के जाना चाहिए, महिला पुलिस चेक कर पाए, लेकिन ये जा रहे हैं सब लोग अपना घुस करके, नव विवाहित लड़की हो या मान लीजिए शादी के लिए आई, वो सबको सामान फेंक देना, ये करना, ये कहाँ का रखी है? कोई नियम है? इसीलिए ना हम लोगों को पिटाई जो करवाए विधानसभा में कि नया कानून ला करके पुलिस कुछ भी करे, आप लोग मूक दर्शक बन करके रहिए, लेकिन हम लोग मानने वाले नए हैं, मूक दर्शक नहीं रहेंगे। हमारे नेता तेजस्वी जी खुल्लम खुल्ला कह दिए कि आज आप उस कुर्सी पर हैं, कल दूसरे लोग आएंगे, आपको भी घर से खींच करके यही पुलिस आपको लेकर, कोई उस क्या करेंगे? इतना दिन तो शराबबंदी हो गया, कहाँ रुका है? नीतीश जी क्या कर रहे हैं? उन्हीं का प्रशासन बेचवा रहा, कोई दूसरा कोई?